हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में देखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024, ठीक है ना दोस्तों। आज हम बताएंगे कि देखिए दोस्तों, जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लाएँ। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपके पास केवल एक महीना बचा है, ठीक है ना दोस्तों, जनवरी बचा है। तो जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लेके आएँ, ठीक है ना दोस्तों। आपकी अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना दोस्तों, जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और आप देखिए दोस्तों, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप देखिए दोस्तों 80% या देखिए दोस्तों 90% मार्क्स 100% लेके आएंगे, ठीक है। जिस तरह से मैं बताऊंगा, तो आप देखिए दोस्तों 80% या देखिए दोस्तों 90% मार्क्स 100% लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जैसे कि दोस्तों आपने 40 से 50% सिलेबस आपने पढ़ दिया है ना, तो देखिए दोस्तों आप 95 या 90% लेके आ सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टॉपर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप भी बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है ना दोस्तों, 90% मार्क्स आपका पक्का आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा पढ़ने का, देखिए दोस्तों सही तरीका बताऊँगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आप अगर पढ़ लोगे ना, तो 100% आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को केवल लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हाँ, हम भी टॉपर बन सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ना बहुत सारा टाइम मिला था, ठीक है। तो 2024 का सत्र है वो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर जुलाई से अगर, तो जुलाई निकल गया, ठीक है, अगस्त भी निकल गया, सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया, नवंबर भी निकल गया और दिसंबर भी निकल गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपने इन महीने में पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो निकल गया वो टाइम निकल गया, और निकलने वाले टाइम पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है ना दोस्त। जो टाइम निकल गया उसकी चिंता मत करो भाई, लेकिन जो टाइम अभी आपके पास बचा है, लेकिन उसको तो सही से यूज़ कर लो। अगर आपने उस टाइम को सही से यूज़ कर लिया ना, तो भाई आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अब आपके पास केवल जनवरी बचा है, ओनली जनवरी बचा है, ठीक है। फरवरी में आपके पेपर हैं, ठीक है, फरवरी में आपके पेपर हैं, तो उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। केवल हमारे पास एक महीना बचा है, ठीक है, 30 दिन बचे हैं, ठीक है, जनवरी जनवरी बचा है, ठीक है। तो जनवरी में भी पढ़कर आप 90% मार्क्स ला सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मौका सबको मिलता है, ठीक है, एक मौका सबको मिलता है, ठीक है। इस मौके का अगर आप फ़ायदा उठा लोगे ना, तो आप भी भाई टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो अब आपको ये मौका कमाना नहीं है, ठीक है, आपके पास अब ये अंतिम टाइम है, ठीक है, अंतिम टाइम का अंतिम महीना बचा है, ठीक है, जनवरी जनवरी केवल बचा है। अगर आप जनवरी में सही से पढ़ लोगे ना, तो आप भी भाई टॉपर बन जाओगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से जनवरी में अब कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, टॉपर कैसे बनते हैं, देखिए दोस्तों, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में कुछ भी फर्क नहीं होता है, सारी चीज़ सेम होती हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, टॉपर के पास दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, आपके पास भी दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है। टॉपर के पास भी सेम बुक होती हैं और आपके पास भी सेम बुक होती हैं, ठीक है, आपके पास भी सेम कॉपी होती हैं और टॉपर के पास भी सेम कॉपी होती हैं, ठीक है, सेम टाइम मिलता है और सेम पेपर होता है, ठीक है। लेकिन फिर वो टॉपर कैसे बन जाते हैं और आप टॉपर नहीं बन पाते हो, तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ पढ़ाई किया। अगर आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने वाला ही टॉपर बनता है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करोगे ना, तो भाई टॉपर आप ही बन के दिखा दोगे, ठीक है ना दोस्तों, सारी चीज़ सेम होती हैं। अगर आप, अगर जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से पढ़ाई करनी ना, तो भाई टॉपर आप ही बन के दिखा दोगे। 2024 में टॉपर बनोगे, ठीक है, टॉपर बनोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बताऊँगा, अगर आपने उस तरीके से पढ़ाई कर ली, तो आने वाले 2024 में टॉपर आप बनोगे और आप बोर्ड में एक अच्छा स्कोर फोड़ के आओगे, ठीक है। तो ये मेरा वादा है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल इस वीडियो को कंटिन्यू देखनी है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको ना, उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे, तो देखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे करके लिखना है, ठीक है। तो कॉपी आपको ना बहुत ही ज्यादा ध्यान से लिखना है और बहुत ही सही तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आपको कॉपी कैसे लिखनी है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ।
जैसे आपको ये कॉपी मिलेगी, ठीक है। कॉपी में आपको क्या करना है, ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर, ठीक है। बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको ना प्रश्नोत्तर डालना है, ठीक है। और जिस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो ना, उसका यहाँ पर नाम लिख देना, ठीक है। जैसे कि आप दूसरा प्रश्न कर रहे हो तो दूसरा यहाँ पर डाल देना है, तीसरा कर रहे हो तो यहाँ पर तीसरा डाल देना, ठीक है। उसी प्रकार से फिर आपको ना इस तरह से ये अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ना, कॉपी के एक साइड में ना आपको ना दो इस तरह से लाइन खींच देनी है, ठीक है, लाइन खींच देनी है। फिर आपको ना उसका उत्तर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, इस तरह से। और आपको प्रश्न नहीं लिखना है, केवल प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर करके ऐसे ही यहाँ पर इसका नाम डाल देना, ठीक है। दूसरा प्रश्न कर रहे हो तो दूसरा डाल देना, अगर तीसरा कर रहे हो तो तीसरे डाल देना, ठीक है। इधर एक साइड में दो लाइन खींच देना, ठीक है। फिर आपको ना इस तरह से उत्तर लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद कैसे करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने ही करने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी कैसे याद करें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन याद होते ही नहीं है। देखिए दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का तरीका क्या है, आप ना लॉन्ग क्वेश्चन को ना लिख लिख कर याद करें, ठीक है। लिख लिख कर याद करोगे ना तो आपके सीधे माइंड में छप जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या करना, लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लेना और लॉन्ग क्वेश्चन को ना लिख लिख के याद करो, ठीक है। लिख लिख के याद करने से आपको क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आपके माइंड में एकदम से ना छप जाएगा, ठीक है। जब आप बोर्ड में क्वेश्चन लिखने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन तो लिखा था, और आपको ना बहुत अच्छी तरह से याद आ जाएगा, ठीक है। और आप ना बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को ना लिख लिख के याद करना है, बहुत जल्दी से याद होगा और आपको ना याद भी रहेगा, भूलने की बीमारी भी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन को भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिख लिख के याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हैंडराइटिंग, ठीक है। हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैंडराइटिंग, ठीक है। अगर आपकी कॉपी सुंदर लिखी जाएगी तो बोर्ड परीक्षा चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपकी कॉपी देख के खुश हो जाएगा और वो ना अच्छे से मार्क्स देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग को सुधार के अभी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों, हैंड राइटिंग सुधारनी कैसे है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखोगे ना, अगर लिखने की प्रैक्टिस अभी से डालोगे तो आपकी हैंड राइटिंग एक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सुधार आ जाएगा आपकी हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो आप क्या करना, लॉन्ग क्वेश्चन याद करना, लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लिख के याद करना, ठीक है। तो आपकी क्या होगा, तो आपके क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी, ठीक है। तो आपके दो बेनिफिट हैं, अगर आप हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन को याद करो और लिख लिख के याद करो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा और प्लस आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो भाई आने वाले 2024 में टॉपर बनोगे, ठीक है, टॉपर बनोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपको आने वाले टाइम में आप टॉपर बन जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको टॉपर बनना है ना, अगर आपको टॉपर बनना है तो एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना ना लक्ष्य चूज करो, ठीक है। गोल आपका सेट होना चाहिए कि आप देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट लाना चाहते हो, ठीक है। 70% लाना चाहते हो, 80% लाना चाहते हो, 85% या फिर 90%, ठीक है। कम से कम 70% से नीचे नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप 70% लाना चाहते हो या फिर 80, 85 या फिर 90, ठीक है, जितना परसेंट आप लाना चाहते हो आप अपने रूम में क्या करना, लिखकर उसी को ना टांग देना, ठीक है। जैसे आप ना 90% लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो 90% लिखना और जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पर आप स्टडी करते हो ना, उसी के जस्ट सामने आप टांग देना, ठीक है। अगर आप 90% लाओगे, अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आप पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका लक्ष्य है 90% लाने का और आप पढ़ाई भाई 90% कितने भी नहीं कर रहे हो, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप 90% लाना चाहते हो तो आपको 90% कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अपना तो आपको अपना ना लक्ष्य बनाना है, ठीक है। लक्ष्य आपका जितना हो उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत करोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक मंथ के लिए, ठीक है, एक मंथ के लिए एक अच्छा सा बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। एक मंथ के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, और जिसे आप फॉलो कर सको, ठीक है। और देखिए दोस्तों, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, कम से कम आप ना 8 से 10 घंटे का आपको ना टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। एक महीने आप इस तरह से टाइम टेबल बना लो, उसमें देखिए दोस्तों कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल एक महीने के लिए आप अपना टाइम टेबल बना लो और उसी में अच्छे से पढ़ाई करो, जो आपका लक्ष्य होगा ना वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगले पॉइंट में देखिए दोस्तों, पढ़ाई पर ज़्यादा समय दें, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है, केवल एक महीना बचा है, जनवरी जनवरी बचा है, ठीक है, जनवरी जनवरी बचा है। तो जनवरी में जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई पर दोगे उतना आपको लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट कहा है सोशल मीडिया को कम यूज़ करें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों ये हो गया इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट वीडियो हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, और देखिए दोस्तों व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप पर चैटिंग वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है। ये सारी चीज़ आपके लिए देखिए दोस्तों अभी नहीं है, ठीक है। अगर आप इन पर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ आपके साथ नहीं देंगी, ठीक है। अगर आपके साथ कोई देगा तो आपकी है वो स्टडी, ठीक है, स्टडी आपकी है, स्टडी आपके साथ देगी, ठीक है, केवल स्टडी ही आपके साथ देगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक महीने तक ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल एक महीने के लिए, ठीक है। अगर आप एक महीने इनसे अगर दूर हो जाओगे, अगर आप पढ़ाई के पास आ जाओगे ना, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, एक महीने के लिए ये सारी चीज़ बंद कर देनी है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है ना पढ़ाई पर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ करना है, ठीक है। पहले आपको अपना लक्ष्य बनाना है, आप जितना परसेंट लाना चाहते हो उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है केवल एक महीने के लिए, ठीक है। अब आपके पास केवल जनवरी बचा है, तो आप ना एक महीने के लिए टाइम टेबल बना लें, ठीक है, अपने हिसाब से, और कम से कम उस टाइम टेबल में 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहें, सोशल मीडिया को कम से कम उपयोग करें, ठीक है। और ये सारी चीज़ है ना, तो इन सारी चीज़ों को आपको बंद कर देना है केवल एक महीने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ना सिलेबस जान लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ना सारा सिलेबस जान लेना है, ठीक है। आपको ना एक दिन का एक टाइम देना है, ठीक है, एक दिन आपको टाइम देना है इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों, हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, पहले आपको क्या पता करना है, सभी सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपको ये पता करना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का है उस पर ज़्यादा टाइम दें, ठीक है, और जो कम मार्क्स का है उस पर कम टाइम दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर कम मार्क्स का है उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखिए दोस्तों पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता कर लेनी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इनको आपको ना टिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप टिक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करोगे, जो चैप्टर या क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आप ना ज़्यादा फोकस करोगे और उसको ना पहले तैयार कर लोगे, ठीक है ना दोस्तों। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने ना सब चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ें, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको ना केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ना एक दिन देना है और एक दिन में ना ये सारी चीज़ आपको पता हो जाएंगी, ठीक है। सिलेबस जान लेना है और देखिए दोस्तों हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का होगा उस पर आप ना ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे, और जो चैप्टर कम मार्क्स का है उस पर आप ना उसी तरह से मेहनत करोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर को ना इंपॉर्टेंट चैप्टर को आपको टिक कर लेना है, ठीक है, फिर उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे और आने वाले टाइम में आप टॉपर ज़रूर बनोगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको अंतिम दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अंतिम दिनों में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है, अंतिम दिन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप पेपर देने से पहले आपको ना ये सारी चीज़ कर लेनी है, क्या क्या चीज़, देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको ना 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है, 3 साल के आपको पेपर को सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ना 3 साल के पेपर को सॉल्व कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद कहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण वगैरह हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ना तैयार करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 3 साल के आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने देखिए दोस्तों 3 साल के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, अगर आपने इतना सारा पढ़ लिया ना 80% मार्क्स जो आपको इन्हीं से आपके मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारा पेपर बनता है ना वो देखिए दोस्तों पुराने पेपर से ही बनता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 3 साल के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने इन तीनों को लगा लिए ना, तो 80% मार्क्स आपके यहीं से कंप्लीट हो
जाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों आपको ना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपको ना शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आप ना उन्हीं शॉर्ट नोट्स से अपनी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब जितना आप खुद से पढ़ लोगे उतना ही आपके साथ रहेगा। ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, मॉडल पेपर 2024 का ज़रूर लगाना है। ठीक है, जो देखिए दोस्तों मॉडल पेपर है ना 2024 का, वो आपको 100% लगाना है। मॉडल पेपर भी आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक, ठीक है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैथ में। ठीक है, अगर आपको मैथ में देखिए दोस्तों अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ के सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी से आप ना सूत्र याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी से अगर आप सूत्र याद करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप किसी भी सवाल में आप हिलोगे नहीं, आराम से करते चले जाओगे। ठीक है, जैसे कि हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए दोस्तों सूत्र सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो आप अच्छे से सवाल को कर दोगे, अगर आपको सूत्र ही नहीं याद है तो आप उस सवाल को कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ करनी है। ठीक है, अंतिम दिनों में ना अगर आपने ये सारी चीज़ कर लिया ना, तो आप देखिए दोस्तों 90% मार्क्स पक्का लेके आओगे और अपना टॉपर भी बनोगे। ठीक है, टॉपर भी बनोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ कर लेना है। ठीक, और आपको ना अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली ना, तो आने वाले 2024 में टॉपर आप ही बनोगे और आप एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करोगे। तो ऐसी अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।